में संभल के बेहजोई कोतवाली क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में दो बदमाश गिरफ्तार, दो मौके से भागने में कामयाब। अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत आज जनपद संभल के बेहजोई कोतवाली प्रभारी को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोग हत्या की घटना को अंजाम देने के लिए रायपुर तिराहा शमसोई रोड से गुजर रहे हैं, जिसके बाद कोतवाली प्रभारी रविंद्र प्रताप सिंह ने अपनी टीम के साथ रायपुर तिराहा शमसोई रोड पर चेकिंग शुरू करा दी। इसी दौरान कुछ लोग दो बाइक पर आते हुए नजर आए। जब उन्हें रुकने का इशारा किया गया तो उन्होंने रुकने की जगह पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके से दो अभियुक्तों अंकुर और सौरभ को गिरफ्तार कर लिया, जबकि इनके दो साथी विनय और आसिफ मौके से फरार हो गए। इस मामले में पुलिस क्षेत्र अधिकारी चंदोसी अशोक कुमार सिंह ने बताया कि कोतवाली प्रभारी को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके बाद रायपुर तिराहा शमसोई रोड पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। दो बदमाश अंकुर और सौरभ मौके से गिरफ्तार कर लिए गए, जिन्होंने पूछताछ में बताया कि हम लोग प्रधानी के चुनाव के कारण शमसोई गांव में हत्या करने जा रहे थे, जबकि इनके दो साथी मौके से फरार हो गए। संभल से सरफराज अंसारी की यह रिपोर्ट। जनपद संभल में एसपी महोदय के निर्देशन में जो अपराधों की रोकथाम के लिए अपराधियों की धरपकड़ के लिए का अभियान चल रहा है, उसके क्रम में दिनांक 2/10 को SHO भैजोई की सूचना मिली, कुछ अभियुक्त जो फतेहपुर शमसोई में हत्या करने की नीयत से ये लोग जा रहे हैं। इस सूचना पर SHO भैजोई ने अपनी पूरी टीम के साथ घेराबंदी की, इन लोगों में मुठभेड़ हुआ और इन दो अपराधी, एक अंकुर एक सौरभ, को मौके से ही तमंचे के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। जब इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने ये बताया कि आगामी आने वाले प्रधान के चुनाव के परिप्रेक्ष्य में हम लोग अपने आदमी को चुनाव लड़ाने और जिताने के लिए हम लोग एक आदमी की हत्या करने जा रहे थे, लेकिन हम लोग को बीच में ही पकड़ लिया गया है। पुलिस इनके खिलाफ़ विधिक कार्रवाई किया जाएगा।